वंस अगेन मैं फिर से नर्वस हूँ क्योंकि कल हम लोग जुम्मे की नमाज के बाद मिलने लगे हैं सुनील भाई से। फाइनली सुनील भाई इज हियर। आपके लिए हमने बल्कि एक गिफ्ट रखा हुआ है, आपको गाड़ियों का शौक है। अल्लाह की कसम बहुत टाइम पे मैं तो छुट्टी करके ये नहीं, मैंने सारा कुछ उठा लिया था, मैं इसी वजह से रुक गया। क्या करें भाई, किस्मत ही हमारी ऐसी, वैसे पिछला पूरा हफ्ता जो है ना धूप पड़ती रही है और आज हमारा रिव्यू है और बारिश हो गई। जैसी भी होगी हम इसको ले चलेंगे। अभी सबसे पहले चलते हैं जल्दी से इस गिफ्ट को, भाई मैं संभाल के इतना रखूंगा क्योंकि ये पहला गिफ्ट है जो सुनील भाई की तरफ से मुझे मिला है, इसको मैंने यूज ही नहीं करना, सजा के रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेरी लॉन्ग टाइम नो सी, कहां गुम हो गए थे आप लोग, नजर ही नहीं आते आजकल भाई। कंट्रोल। सबसे पहले तो आई एम सॉरी जो इतने दिनों से बताए बगैर कोई स्टोरी ना कोई यूट्यूब पे ना इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल गुमसुम हो गए थे अपनी जिंदगी के, कुछ और भी यूट्यूब के अलावा भी काम शाम होते हैं। खैर जी, वी आर बैक, अब गाड़ के रख देंगे। आप लोगों को पता है कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ आप लोगों से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कौन हो, टिकटॉक इस तरह नहीं हो, तो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी रात को ये अकेला स्कर के साथ यहाँ पे पूरे सुनसान एरिया में क्या कर रहे हैं। तो मैं सुनसान ही हूँ, पीछे आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्पार्टर स्पार्टर्स वगैरह भी घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई पटाखे ट्राके अभी मार के गए पे, पूरा बाइक का एक ग्रुप गुजरा है और वो स्पार्टरों की तरह वो जो 125 को चाबी ऑन ऑफ नहीं करते वो वाला सीन कर रहे थे, पटाखे ट्राके निकाल रहे थे। खैर जी, आई एम नॉट अलोन, सिक्योरिटी वगैरह भी है। तो जी आज इस टाइम ब्लॉग में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कल एक बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग और जो मर्जी कह लो लेकिन मैं थोड़ा बहुत हूँ नर्वस। वंस अगेन मैं फिर से नर्वस हूँ क्योंकि कल हम लोग जुम्मे की नमाज के बाद मिलने लगे हैं सुनील भाई से, सुनील मंच साहब जो कि पार्क व्हील्स पे होते हैं, आप सबको पता है उनका। और कल है मेरा और का कार रिव्यू, ऑनेस्ट का जो रिव्यू होता है वो वाला रिव्यू है हमारा। आज मैं इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकला हूँ, मतलब पांच दिन, इतने दिन क्या, पांच दिन मैं घर में बैठा रहा हूँ, मैंने बाहर की हवा शवा कोई नहीं देखी। अब मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी कोई रिव्यू नहीं दिया, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो सवाल जवाब होंगे वो बस उसी टाइम दे देंगे जो पता होगा। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि इस गाड़ी की जो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैंने ना आज तक किसी बंदे से शेयर किए हैं, ना मैंने आप लोगों को बताया, ना मैंने सोशल मीडिया पे की शेयर किए हैं, वो कल हम लोग पार्क व्हील्स के रिव्यू पे मैं वो सारी बातें शाते बोलूंगा। और आप लोगों ने लाजमी जाके पार्क व्हील्स का रिव्यू देखना है मेरा, सही है, और जाके प्यार चार भी दिखाना। आई होप कि जल्दी एडिट करके वो लोग अपलोड कर दें, लेकिन कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब भी आएगा आप लोगों ने सही है वहाँ पर जाके सही स्पॉट दिखाना, और आप लोगों ने सुनील भाई को लव यू भी बोलना मेरी तरफ से, ठीक है। तो खैर अभी इस टाइम मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले कुछ दिनों से मैं घर पर था, तो कभी कभार इंटरनेट वगैरह यूज़ हो ही जाता था। मैं इतना सोशल मीडिया आजकल यूज़ भी नहीं कर रहा, आप को पता है जो लोग मुझे इंस्टाग्राम @forika को फॉलो करते हैं आप लोगों को पता होगा। जब जब इंटरनेट यूज किया तो आप लोगों को पता है आजकल एक बहुत वायरल रेसिपी चल रही है, एक मतलब होते हैं ना कि बंदे को दिमाग में होता है कि यार ये इसके साथ किस तरह का टेस्ट होता होगा, तो वो आप लोगों को भी शायद पता होगा, मेरे ख्याल से शायद पता होगा, आप लोगों की नजरों में आया होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में वो चीज जो है ना वो जो एक छोटी सी डिश है जो कि हम लोग खुद बनाएंगे, आज अभी जाके सुपर मार्केट से वो चीजें वगैरह पकड़ेंगे। अभी बीच में मुझे कैमरा बंद करना पड़ गया था क्योंकि वो सामने फैमिली जा रही है, तो वो कहते हैं ब्लॉग्स देखे मैं कीप इट अप। अच्छा जी, तो अभी मैंने जाने सुपर मार्केट चल के वहां से वो सामान वगैरह पकड़ते हैं जो हमने आज जाके बनाना है, क्योंकि रातों को नींद नहीं आती आजकल, सुबह सुबह मैं सो रहा हूँ, तो जाके वो कुछ चंद चीजें जो हमने पकड़नी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्ट्रॉबेरी होती है, ठीक है, ऊपर चॉकलेट होती है, कोई भी मेल्टेड चॉकलेट होती है उसको डाल के मतलब गिलास के अंदर होती है। ये आप लोगों को पता है मेरा वेप था, सही है, वेप अभी भी है, इसका मैं कॉइल वगैरह चेंज करवाने के गया था, तो मुझे वहाँ शॉप के ऊपर एक न्यू वेप पसंद आ गया और वो है ये देखो कितना हसीन कलर है इसका यार, ये कलर देखते ही ना मैंने कहा कि बस मुझे ये चाहिए, तो चाहिए, लाजमी चाहिए। ये देखो ये पुराने वाला वेप है और ये नए वाला वेप है, कितना चौड़ा है वो हाइवान। तो ब्रांड न्यू वेप भी आ गया, कशवश लगाते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बहुत काम है, सीधा निकल कश्नू छड्डो, फिलहाल इतना टाइम नहीं मेरे, कुल मार्केट थोड़ी देर में बंद होने लगी है, तो जल्दी से चल के पहले हम लोग सामान वगैरह अपना पकड़ लें जो भी लेने वाले, उसके बाद फिर देखते हैं। तो स्कर को हमें यहाँ पे पार्क करना पड़ा क्योंकि देखो सारी की सारी अंदर की जो पार्किंग है वो भी बंद है, और यहीं पे बस ये पार्क के अंदर चल के हम लोग सामान वगैरह उठाते हैं अपना। यार ये छोटी सी बास्केट तो मैंने उठा लिया लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि सारा सामान किधर से मिलेगा, जो फ्रूट्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह ढूंढना पड़ेगा, इस मार्केट में आए हुए मुझे कुछ साल से ज़्यादा हो गया। ओह ये देखो बिल्कुल सामने सारे फ्रूट्स पड़े हैं, नाइस। या अच्छे ही कर दें, केले के 6 पीसेस कर दें। ये हमें मिल गई हमारी स्ट्रॉबेरी जो मेन चीज़ लेने के लिए आए थे, दो पकड़ लेते हैं, केले और स्ट्रॉबेरीज हमें मिल गई। अब हमने ढूंढनी है चॉकलेट्स, तो ये बिस्किट्स वगैरह का एरिया है, आई गेस यहाँ पे होनी चाहिए चॉकलेट्स। यस ये रहे चॉकलेट्स, तो मिल गई है, दो तीन बार्स पकड़ लेते हैं चॉकलेट्स के। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी वाली चॉकलेट्स पकड़नी चाहिए क्योंकि हमने तो करना है उनको मेल्ट, गर्म पानी के अंदर रख देंगे तो पिघल जाएगी, तो कोई भी हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे ये अब बबली शायद काम आए कि ना,
यार सिंपल वाली ना, फिर हम ये एक दो पकड़ लेते हैं, ये काम आ जाएंगे हमारे। तो सामान हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी बस चल के बिल शिल बनवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी आंखों के सामने जितनी लंबी लाइन नज़र आ रही है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा रश है। 25 मिनट खड़ा हुआ हूँ मैं लाइन में, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ लेट नाइट क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए। तो खैर बस अब ये सामान वगैरह अंदर रखते हैं और घर चल के अम्मी को बोलते हैं कि मेनू पका के। A few moments later. अभी मैं पेट्रोल पंप पे आया हूँ और मुझे याद आया कि बिल्कुल फ्यूल खत्म हुआ था, इसमें फ्यूल भरवाते हैं। और एक चीज़ और, आप लोगों को पता है कि सुनील भाई के जब आप लोग रिव्यूज वगैरह देखते हो तो वो लास्ट भी पूछते हैं कि आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है। तो ये 11-12 है, ऑलमोस्ट 12 है। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? हाई ऑक्टेन है, हाई ऑक्टेन फुल कर देना। जो है वो तैयार हो चुकी है, अम्मी से मैंने बनवा लिया है स्ट्रॉबेरी और इसके ऊपर चॉकलेट, इसको बस बीच में मिक्स कर लेते हैं। फोर को जरा घुमाएंगे तो सही हो जाएगी बिल्कुल, तो जरा टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह की लग रही है। सही बात बताऊं तो इससे ज्यादा मजे की मुझे ये वाली लग रही है, ये खाने का ज्यादा दिल कर रहा है। लेकिन पहले से हम लोग ट्राई करते हैं, लेट्स सी किस तरह का जायका। इतना वेट किया इस रेसिपी का, लेट्स सी कि क्या है ऐसा जायका जो दुनिया पागल हुई हुई है इसके पीछे। मजे की है यार, बल्ला मजे की है। अब बारी है बनाना के ऊपर, जो चॉकलेट हमने डाली है वो खाने की, और मुझे पता है इसका टेस्ट बहुत मजे का होने लगा। मजे रहा है। 1xBet की तरफ से एक स्पेशल ऑफर लॉन्च हुई है और उसमें ये है कि अगर तो आप लोग PSL के किसी स्पेसिफिक मैच को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, तो ये स्क्रीन पे दिए गए प्राइजेस आप लोगों को मिल सकते हैं, जिसमें से PlayStation 5, iPhone 15 Pro Max, बोनसेस और भी डिफरेंट प्राइजेस हैं। तो आप लोगों ने बस इतना करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, रजिस्टर करना है मेरे प्रोमो कोड के थ्रू, और उसके बाद आप लोगों को बोनस भी मिलेगा। साइन अप कीजिए जल्दी से और PSL में स्पेशल प्राइजेस जीतिए। The next day. Good morning everyone and welcome back to the next day. आज है जुमा, जुमा मुबारक to all of you. और ये आप लोग देख सकते हैं रोड्स गीली हैं, इसका मतलब है कि सुबह सुबह हुई है बारिश, और जाते जाते मुझे पता है 100% इसकी हालत फिर से वैसी हो जानी है जैसी अभी है, मिट्टी से भरी हुई। तो बहुत मसला भी होने वाला है, बट क्या करें भाई, किस्मत ही हमारी ऐसी। वैसे पिछला पूरा हफ्ता जो है ना धूप पड़ती रही है, और आज हमारा रिव्यू है और बारिश हो गई है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं, जैसी भी होगी हम इसको ले चलेंगे। अभी सबसे पहले चलते हैं जल्दी से इसको वॉश करवाने, क्योंकि अभी बजे हैं 12 और नमाज भी पढ़नी है, तो एक घंटे में हमने इसको पॉलिश भी कराना है। टाइम सच में बहुत ज़्यादा कम है, तो लेट्स गो। आज बारिश का दिन है ना, तो पेट्रोल पंप के ऊपर देखो सारा का सारा ये कार वॉश वाला एरिया जो है वो बिल्कुल सुनसान है। जो कम से कम कर सकते हैं हम लोग केक तो एटलीस्ट ले सकते हैं, उस पर सुनील भाई का नाम लिखवा देंगे। भाई केक हमने पकड़ लिया है, अब बस केक भी ऑलमोस्ट वॉश हो चुका है। 2 hours later. जुमे की नमाज पढ़ के फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग लोकेशन पे, जो जहाँ पे मुझे पाक फील्स वालों ने बुलाया था। बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं सुनील भाई का, और देखो जैसे कि मेरे साथ ये फाद भी आ गए, फाद भी बाहर निकल के आ गया। फाइनली सुनील भाई इज हेयर। बस अब हम लोग निकलने लगे यहाँ से, रिव्यू स्टार्ट करते हैं अपना, और कैमरे सैमरे सारे सेट हो चुके हैं। A few moments later. रिव्यू देखे हम लोग आ चुके हैं, सुनील भाई अभी ऊपर गए हैं पार्क हिल्स के ऑफिस में, और अभी चल के आप लोगों से मिलवाना है, दोबारा जाके मिलवाऊंगा क्योंकि मैं पहले भूल गया था आप लोगों से मिलवाना। रिव्यू देखे मैं हम लोग आ गए यहाँ पे, अभी ये इसका शूट वूट हो रहा है, यहाँ पे वीडियोस वगैरह बन रही हैं, तो बस जैसे ये करते हैं फिर चलते हैं ऊपर सुनील भाई के पास, आपकी हेलो हाई करवाते हैं, और होपफुली कि हमारा जो रिव्यू है ट्यूजडे या वेनसडे वाले दिन आ जाएगा। वो एक चीज चेक करो, ये देखो रिम के ऊपर टेबल बनाया हुआ है। नाइस यार, मुझे कहते हैं
फाइनली कार का रिव्यू करके हम लोग आ चुके हैं एंड गेस वेयर आई एम सिटिंग। इस टाइम हम लोग बैठे हुए हैं सुनील भाई के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, क्या हाल चाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सुनील भाई। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन जो सुनील भाई ने पोस्ट किया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इट्स अ ब्यूटीफुल कार। और कैसा लगा रिव्यू बना के, सही था या? थैंक यू सो मच। बड़ी आपने इसे कहता ना कहीं ओवर नहीं की, आपके लिए हमने बल्कि एक गिफ्ट रखा हुआ है। आपको गाड़ियों का शौक है, तो ये मैं खुद भी यूज करता हूँ। हमारी पाकिल की प्रोडक्ट है, ये शैम्पू है। दूसरी मेरी फेवरेट प्रोडक्ट ये, इससे आप टायर वगैरह साफ करेंगे। सही और है। सबसे अला एपीसी इंटीरियर जो है ना लोग करते हैं वो तेल के बिना बिल्कुल बैड फिनिश, वो ये करेगा। सही है। ये ग्लास है, लोग शीशा साफ नहीं रखते। ठीक है। कभी कहीं जाना हो तो वाटरलेस कार वॉश है। ठीक है। तो ये आपके साथ इंशाल्लाह जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के समझाने के लिए तैयार बैठा था। बहुत टाइम पे है ये, अल्लाह की कसम बहुत टाइम पे। मैं तो छुट्टी करके ये देखिए, मैंने सारा कुछ उठा लिया था, मैं इसी से रुक गया। सुनील भाई से मिल चुके हैं और ये देखे मेरे पास ये सुनील भाई की तरफ से गिफ्ट मिला है। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग सुनील भाई, बहुत अच्छा लगा भाई। इट वॉज लाइक अ ड्रीम सीरियसली। तो वो खड़ी हमारी, लेकिन मानो जब सुनील भाई ने बोला ना कि आपने अपनी गाड़ी ओवर नहीं की, ओवर नहीं की और बहुत अच्छी मॉडिफाई करा हुई, मैं कहता हूँ मैं जितने भी स्कर्ट के ऊपर आज तक पैसे लगे हैं ना सारे पूरे हो गए। मेरे पास ही दरवाजा खोल के रखना है। इस गिफ्ट को भाई मैं संभाल के इतना रखूंगा क्योंकि ये पहला गिफ्ट है जो सुनील भाई की तरफ से मुझे मिला है। इसको मैंने यूज ही नहीं करना, सजा के रखूंगा। लेट्स गो जी, निकलते हैं यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए, देखते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ। यहाँ से ऑर्डर शॉर्डर किया था और आ चुका है, तो बस ये अपने सैंडविचेस वगैरह खाते हैं। भाई चेक करो, एकदम से बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, क्या बात है। होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा और सुनील भाई से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग फिर से मिलेंगे। अगर हम लोग कोई न्यू गाड़ी दे लेते हैं तो उसका रिव्यू भी देने जाएंगे, वैसे भी नॉर्मली इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। खैर जी, हम लोग आज का व्लॉग भी पेंड कर देते हैं। जिस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गार्ड के रखिए सब कैमरा बटन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।